अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फाइनली देखें ये सीढ़ियाँ मैं आपको दिखाऊं कि जब भी आप इस जगह शिकार पर आएंगे प्याले वाले पहाड़ पर तो इस तरह आपको सीढ़ियों से ऊपर आना पड़ेगा। और ये देखें अभी नीचे का नज़ारा देखें, मोटरसाइकिलें हमने वहाँ नीचे खड़ी कर दी हैं दोस्तों। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे एक ना केव बना हुआ यानी गार ना, जब पानी चढ़ता है तो ये पत्थरों के अंदर सोता हुआ यहाँ पर भी पानी जमा हो जाता है। तो मैंने सोचा ये भी आप दोस्तों से शेयर करता हूँ। और बाकी पहले तो मैंने कई दफ़ा ये पॉइंट आप दोस्तों को दिखाया है। आप देखें हम अपने पॉइंट पर आ गए दोस्तों, पहाड़ देखें सामने, ऊपर एक मज़ार भी बना हुआ है। और ये दोस्तों पिकनिक पॉइंट है, अक्सर हम लोग यहाँ पे नीचे पिकनिक करने भी आते हैं, वो पिकनिक पॉइंट भी आपसे मैं शेयर करता हूँ। और जेटी देखें ऊपर से पूरी माशाल्लाह, और पिकनिक पॉइंट भी आपको दिखाता हूँ, फिर हम लोग उस पॉइंट पर जाते हैं जहाँ हमने अभी आज शिकार खेलना है। तो माशाल्लाह गड़ानी देखें, ये सारा नीचे पिकनिक पॉइंट है दोस्तों। ये जो सारी फैमिलीज लोग नज़र आ रहे हैं ना, घोड़े ऊंट वगैरह, ये सारे के सारा आपका पिकनिक पॉइंट है गड़ानी वाला। तो खैर अभी मैं दोस्तों अपने पॉइंट पे जा रहा हूँ शिकार वाले, तो वीडियो बंद नहीं करता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग इन्जॉय करें, समंदर को देखें ऊपर से पहाड़ से। और आज थोड़ा मगरिब का नज़ारा है, ऑलमोस्ट मगरिब हो चुकी है दोस्तों। तकरीबन मगरिब में सिर्फ सिर्फ 2-3 मिनट रहते थे, वो भी पूरे हो गए और अज़ान भी हो गई है। तो खैर हम अभी पहुंच गए दोस्तों, मैं आपसे शेयर करता जा रहा हूं। काफ़ी सारे शिकारी पहले भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह, शिकार पर लोग आए हुए हैं, तो हम भी देखते हैं हमें क्या मछली लगेगी। और हम भी जाहिर सी बात है शिकार करने के लिए आए और अच्छे शिकार की उम्मीद है, लेकिन काफ़ी ख़तरनाक समंदर है दोस्तों ये, यहाँ बहुत लोग मरे, ठीक है ना। आज आपको मैं वो पॉइंट भी बताता हूँ गड़ानी के अंदर जहाँ बहुत सारे लोग मरे और क्यों मरे, क्या गलती करते हैं, वो भी मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ये देखें दोस्तों ये बहुत ही बेरहम पानी है, ठीक है ना, एक इतना बेरहम इंसान होता है। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का वो समंदर है, पूरे पाकिस्तान का, बलूचिस्तान का नहीं बोल रहा, पूरे पाकिस्तान का वो समंदर है दोस्तों ये, जो बेरहम समंदर है, ठीक है ना, पूरे पाकिस्तान का वो समंदर है जो बेरहम है। बेरहम ऐसी इस वजह से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, वो शिकारी और भी आए माशाल्लाह, तो मैं इस समंदर को ना बेरहम बोल रहा हूँ। और बेरहम क्यों बोल रहा हूँ, एक मिनट रुको, बेरहम इसलिए दोस्तों क्योंकि जितने लोग यहाँ मरे ना गडानी के अंदर, वो पाकिस्तान के किसी साहिल में भी नहीं मरे। आप जब अगर आप मतलब इसका पानी इतना तेज़ हो जाता है, प्रेशर इतना तेज़ होता है, कभी कभी फैसल भाई विक्ट्री का निशान बना रहे हैं, अल्लाह ताला खैर करे, तो कभी कभी जब पानी तेज़ होता है दोस्तों तो इतना ऊपर आता है ना और अचानक आपको नीचे लेके चला जाता है, यानी गिरा देता है। और यहाँ जो गिर जाए उसके बचने का चांस बिल्कुल नहीं है। आप नेट पे अक्सर वीडियो देखेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ डूब जाते हैं, उनकी वीडियो भी बन जाती है। तो मकसद ये है कि बहुत एहतियात करनी पड़ती है यहाँ पर दोस्तों, हम जब भी आते हैं इतनी एहतियात करते हैं, इतनी एहतियात करते हैं कि गलती ना हो जाए, क्योंकि ये इतना ख़तरनाक समंदर है, यहाँ गिरने का मतलब है मुकम्मल तौर पर मौत, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैं अलग से अभी अपलोड करना चाह रहा हूँ कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि गडानी में वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे अक्सर लोग मर रहे हैं या मर जाते हैं, कौन सी गलती करते हैं और क्यों गलती करते हैं दोस्तों। तो ये मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा ना, तो ये नई वीडियो है मेरी, ठीक है ना, ये उस वीडियो से मैं काटूंगा, फिशिंग हो सकता है थोड़ी बहुत इसमें भी शेयर कर दूँ, लेकिन आज मैं इस वीडियो में सिर्फ गडानी आपको पूरा दिखा रहा हूँ, गडानी के वो पहाड़ दिखा रहा हूँ दोस्तों जहाँ से लोग गलती करते हैं, नीचे गिर जाते हैं और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं बहुत सारे लोगों की वीडियो तक बन गई है, वो लोग नीचे गिरे उसके बाद बचे नहीं है, क्योंकि नीचे सारी पथराटी है, पत्थर है। और पानी आपको पता है पूरे पाकिस्तान में जितना खतरनाक पानी गड़ानी का है कहीं का भी नहीं दोस्तों। तो जब आप नीचे गिरते हैं आपको लहरें इतना ज़ोर ज़ोर से मारती है, इतना ज़ोर ज़ोर से मारती हैं कि आपको हिलने का संभलने का मौका तक नहीं मिलता और आप जाहिर सी बातें डूब जाते हैं। अगर जो लोग तैरना जानते हैं वो भी दोस्तों अगर गिर जाए तो गड़ानी में बचना उनका भी मुश्किल है। तो यहाँ बहुत सारे लोग तो बेचारे ऐसे आते हैं जिनको तैरने का अलिब भी नहीं पता, यानी कुछ भी नहीं पता, तो वो अगर गिर जाए तो जाहिर सी बात है उनका बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है और वो डूब जाते हैं ना। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ अगर आप पूरे पाकिस्तान की तारीख उठाएंगे, जितने लोग गडानी के अंदर मरे इस पॉइंट के ऊपर जहां मैं खड़ा हूं दोस्तों, एग्जैक्ट यही पॉइंट है, ये सामने पहाड़ है, यहां से लोग गिरे, यहां सामने से गिरे, उधर सामने से गिरे, एंड में फैमिली चली जाती है, लोग चले जाते हैं, मम्मी डैडी बच्चे चले जाते हैं, वो गिर जाते हैं। ये जहां मैं अभी खड़ा हूं यहां फिशिंग कर रहे हैं, यहां से लड़के गिरे, यहां से गिरे, जहां फैसल भाई खड़े हैं यहां से लड़के गिरे दोस्तों। आप लोग यूट्यूब पर जाकर सारी वीडियो सर्च कर सकते हैं, ये सामने से गिरे क्योंकि ये पिकनिक पॉइंट है सारा के सारा, इसके नीचे लस्सा है जहां फैमिलीज वगैरह आती है तो उनके बच्चे या फैमिलीज के जो मर्द होते हैं वो थोड़ा सा यहां ऊपर आ जाते हैं, ऊपर बैठने के लिए जगह बनी है, वहाँ जाते हैं, वहाँ से होते होते वो यहाँ आ जाते हैं। और वो जो गलती करते हैं वो मैंने आपको बताया कि वो सीधा मौत की तरफ वो गलती उनको ले जाती है ना। तो आप लोग चाहे तो YouTube में देख सकते हैं, लिहाजा मैं आपको सिर्फ ये वो कर रहा हूँ कि आप लोग कभी आएँ तो कोशिश करें इस पॉइंट की तरफ बिल्कुल ना आएँ। और अगर आप लोग आते भी हैं तो आप लोग बहुत दूर आपने रहना है, खासतौर पर जब पानी का चढ़ाव होता है, हाई टाइड होता है, उस वक्त पानी से दूर रहना है। अभी आप ये देखें कि हाई टाइड लगा भी नहीं है और पूरा के पूरा पहाड़ गीला हो गया, इतना तेज़ पानी है और पानी उड़ रहा है, जैसे कि आपको शायद आवाज़ आ रही होगी हल्की हल्की दोस्तों, इतना खतरनाक है कि
पूरा पहाड़ गीला हो गया है। अभी हाई टाइड नहीं लगा है, तो आप सोचें अगर जब पानी चढ़ जाएगा तो ये हम लोग को पूरा गीला करते हैं। हम जब भी यहाँ पर आते हैं दोस्तों, हम सारे दोस्त गीले हो जाते हैं शिकार करते करते, यानी पानी की लहरें इतनी खतरनाक होती हैं। तो लिहाजा ये वीडियो दोस्तों मैं बंद करता हूँ। जितना हो सकता था मैंने इस पॉइंट को आज कवर किया है आपको दिखाने के लिए गिलानी में कौन सा पॉइंट है जहाँ लोग बेरहम लहरें और लोगों की जान ले लेती है ना। तो अब हम इंशाल्लाह शिकार पर फोकस करेंगे। आज ये नई वीडियो, नया शिकार है। आज तारीख दोस्तों 10 अक्टूबर है। जो भी शिकार लगेगा इंशाल्लाह फिर आपको वो सारा के सारा मैं अपनी वीडियो में शेयर करूंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा चैनल आप लोगों ने मोनोटाइज करवा दिया दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है। तो इंशाल्लाह जो भी शिकार लगेगा अच्छी अच्छी वीडियो पाकिस्तान के, कराची के, बलोचिस्तान के साइलों पर जाते रहेंगे, और जो अच्छी अच्छी वीडियो होंगी वो सारी आपसे शेयर करेंगे। तो आप लोग दोस्तों अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कुर्बान, क्या बोल रहे हो, क्या रखा हुआ है? पट्टा, कौन सा पट्टा? फैसल ने रखी।